हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो है माइनक्राफ्ट अनडेड मॉब्स के ऊपर, यानी कि आज हम बात करेंगे मरे हुएओं की। अब आई मीन मरे हुए की नहीं, मतलब अनडेड मॉब्स की बात करेंगे यार। तो गाइस, अनडेड यानी कि जो मर चुके हैं, जैसा कि इनका नाम है, ये एक ऐसी माइनक्राफ्ट एंटिटी है जो मर चुकी है लेकिन अभी भी जीवित है। अब ऐसा कैसे हो सकता है वाला, मतलब जो मर चुके हैं वो अभी जीवित कैसे हो सकता है? ओके ठीक है, माइनक्राफ्ट एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये अनडेड मॉब्स माइनक्राफ्ट के मॉब्स की ऐसी कैटेगरी है जो जनरली होस्टाइल यानी कि दुश्मन नहीं होते हैं, मतलब अटैक ही करते हैं आपके ऊपर। और ये ऐसे मॉब्स होते हैं जो कि सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि इन्हें प्लेयर्स या दूसरे वाले जो जितने भी एंटिटी हैं उन पर अटैक करने होता है, या फिर ये पैसिव रहते हैं। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, यानी कि कुछ मतलब कुछ नहीं करने वाले, बस भटकता रहता है इधर से उधर। आपने घोड़े को देखा होगा, जॉम्बी हॉर्स बस भटकता रहता है इधर से उधर। ओके गाइस, बट एक चीज इनके बारे में ये है कि ये दिखने में बहुत ही डरावने होते हैं, भयानक वाले होते हैं भैया, एकदम मतलब हड्डियां निकल रही हैं, खून मून निकल रहा है मुंह से, कतई एकदम समझ रहे हो, जॉम्बी टाइप के होते हैं ये। तो अनडेड मॉब्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, बट इससे पहले इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉब्स माइनक्राफ्ट अनडेड मॉब्स में आते हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे अनडेड मॉब्स के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज आगे के मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज यार सब्सक्राइब के बटन को तो दबा ही दीजिए। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए माइनक्राफ्ट एंड अदर गेम्स का गजब वाला कंटेंट लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच यार, कर दिया ना सब्सक्राइब? नहीं किया, कर दो यार, एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, अब बात करते हैं माइनक्राफ्ट के अनडेड मॉब्स के बारे में, उनकी लिस्ट को लेते हैं कि कौन कौन से मॉब्स अनडेड मॉब्स में आते हैं। सबसे पहले हम ड्राउंड को लेंगे। ड्राउंड एक होस्टाइल पैसिव टाइप का बिहेवियर करता है, यानी कि अगर आप वाटर को डे टाइम में नहीं टच करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ड्राउंड एक कॉमन अंडर वाटर जोम्बी के वेरियंट्स हैं जो कि ओशियंस और रिवर्स में स्पॉन होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर ड्राउंड को देख रहे हो, ये एकदम ऐसा ही होता है। अभी आप देख रहे हो ये सारे के सारे ड्राउंड जोम्बीज हैं, लेकिन जैसे ही मैं वाटर को छूंगा ना तो ये सारे के सारे भाई साहब मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो भैया, हट जाओ। अरे भैया मैं ओनली शूटिंग कर रहा था, वीडियो बना रहा था, अटैक ना करो मेरे ऊपर, बाय बाय। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हस्क की। हस्क एक प्रकार के वही जोम्बी के वेरिएंट हैं जो कि डेजर्ट्स में स्पॉन होते हैं, और इनकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये लोग सनलाइट में बर्न नहीं होते, क्योंकि यार ऑलरेडी ये लोग ऐसे टेम्परेचर में रहते हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो मतलब ये लोग तो हैबिचुअल हो गए होंगे उस टेम्परेचर के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सनलाइट हो चाहे कुछ भी हो भैया। तो देख रहे हो ये है हस्क, इनके भी खूब सारे वेरियंट्स होते हैं गाइज। एंड अब बात करते हैं फैंटम की। फैंटम सबसे खतरनाक होस्टाइल है यार, मतलब सबसे खतरनाक वाला ये अंडर मॉब है। मैं खुद इससे बहुत परेशान रहा हूं मायाजाल एसएमपी में। अगर आपने मायाजाल एसएमपी ज्वाइन नहीं की है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो गाइस, फैंटम्स एक प्रकार के ऐसे क्रिएचर हैं जो उड़ते हुए रहते हैं, और ये लोग स्पॉन होते हैं। अगर कोई प्लेयर 3 दिन तक नहीं सोता है या फिर 3 दिन में एक बार भी उसकी डेथ नहीं होती है, तो जो फैंटम होते हैं वो स्पॉन होते हैं 2 या 3 के ग्रुप में या एक, मतलब बार बार प्लेयर के ऊपर अटैक करते रहते हैं यार। ये बहुत ही मतलब यार, ये ना तो जान से मारते हैं और ना जीने देते हैं, क्योंकि ये बार बार अटैक करते रहते हैं, जीना आराम कर देते हैं भाई। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं स्केल्टन की। स्केल्टन्स कॉमन रेंज्ड मॉन्स्टर्स होते हैं, और ये भी होस्टाइल ही होते हैं, यानी अटैक करने वाले होते हैं भाई साहब। और ये लेके आते हैं अपने साथ में बो, यानी कि धनुष बाण, समझ रहे हो? तो मतलब कतई तुम पे तीर मारेंगे, और F5 दबा के कभी देखना तुम, तुम्हारी स्थिति कि मतलब कभी तुम्हारे तीर पिछवाड़े में लगाए तो कभी सामने हार्ट पे लगाए, भाई साहब कतई मतलब दिल पे मारते हैं या पिछवाड़े में मारते हैं, कि मतलब मुझे लगता है इनको कोडिंग किया गया है कि स्पेशली बस प्लेयर के पिछवाड़े पे जाके तीर पे तीर चलाना है, तुमको यही काम करना है। तो स्केल्टन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, और कॉमन तौर पे ज्यादातर स्पॉन होते हैं ये लोग, तो हर जगह मतलब ये अनडेड मॉब्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्केल्टन हॉर्स की। स्केल्टन हॉर्स पैसिव होस्टाइल होता है एज ए स्केल्टन ट्रेप हॉर्स। स्केल्टन हॉर्स वैसे तो पैसिव होता है, बट अगर इसको स्केल्टन ट्रेप हॉर्स के रूप में देखा जाए तो भैया ये अटैक करने वाला होता है। तो स्केल्टन हॉर्सेज स्केल्टन के ही वेरियंट है, और एक प्रकार के हॉर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉन होते हैं जब किसी हॉर्स के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए, यानी कि बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको स्केल्टन हॉर्स मिले। लेकिन जब आपको स्केल्टन हॉर्स नेचुरली स्पॉन होने के बाद मिलता है, तो भैया उसको टेम करके आप लाइटनिंग फास्ट स्पीड से, मतलब यार क्या बोलूं, एकदम तेज स्पीड से आप यहां से वहां जाने में उसको काम में ले सकते हैं, यानी कि एक राइडिंग के तौर पे काम में ले सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला अनडेड मॉब है स्ट्रे। स्ट्रे देखा जाए तो स्केल्टन का ही एक
वेरिएंट है और ये भी होस्टाइल होता है भाई, दुश्मन होता है कतई। और ये स्पॉन होते हैं ज्यादातर फ्रोजन आइस या स्नोवी बायोम्स में, यानी बर्फीली जगह पे जाओ तो इनसे आपका सामना होगा। फटे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए होते हैं, एकदम भिखारी टाइप के लोग हैं ये भैया, कतई दूर रहना इनसे। अब बात करते हैं वीदर की। वीदर जो है वो की एक बॉस मॉब है जो की हवा में उड़ता है और उसके बाद में भैया प्लेयर पे और मॉब्स पे फेंकता है एक्सप्लोसिव स्कल्स, यानी भाई सब धमाके करता है ये, कतई मतलब धमाके करने के लिए इसको जाना जाता है वीदर को माइनक्राफ्ट के अंदर। और ये एक ऐसा मॉब है जो कि भाई साहब सब डरते हैं इससे। दो मॉब्स ऐसे हैं जिनसे लोग डरते हैं, एक है क्रीपर, दूसरा है वीदर। लेकिन क्रीपर अनडेड मॉब्स में नहीं आता है, लेकिन वीदर अनडेड मॉब्स में आता है। और वीदर को स्पॉन करने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है। ओके गाइस, तो वीदर का भी अपना अलग महत्व है। अब बात करते हैं वीदर स्केल्टन की। वीदर स्केल्टन भी एक होस्टाइल मॉब है, यानी कि दुश्मन टाइप है, ये भी अटैक करता है आपके ऊपर। और ये थोड़ा सा यार हाइट वाइट में थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये नेदर फोर्ट्रेस के आसपास आपको मिल जाएगा। स्केल्टन का ही वेरिएंट है ये भी। उसके बाद में बात करते हैं जोगलिन की। जोगलिन भी एक ज़ॉम्बीफाइड वेरिएंट है होगलिन का। तो जब होगलिन नेदर को छोड़ देता है तो वो बन जाता है भैया जोगलिन के अंदर। तो यानी कि आप पोर्टल वोटल बना के कभी किसी होगलिन को लेके आ जाओ इधर की तरफ, तो भैया वो बन जाएगा जोगलिन में। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए, वरना मैं जल्दी इसके बारे में पता करके यार एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो हमारे शॉर्ट्स जरूर देखा करो गाइस, जिसमें राके गेमर गेमिंग फैक्ट्स चलते हैं। तो यार सर्च करो, देखो यार, अगर आपने नहीं देखे, बड़े प्यारे होते हैं वो छोटे छोटे, जिनके अंदर हम बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं। अब बात करते हैं गाइस अनडेड मॉब्स के सबसे मेन अनडेड मॉब की। यार कौन सा है वो? अच्छा, ज़ॉम्बीज। तो गाइस ज़ॉम्बीज वो होस्टाइल है, यानी वो अनडेड मॉब है जो सबसे मेन है। और ये कॉमन मॉन्स्टर्स होते हैं यार, हर कहीं मिल जाएंगे, यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे, तुम्हारे घर के पीछे मिलेंगे, विलेज में मिलेंगे, नदी के किनारे मिलेंगे। जैसे ही रात होती है भैया ये स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे हाथ, मतलब दोनों हाथ सीधे करके ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे इनकी आवाज, तो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं और ये एक मेली डैमेज अटैक करते हैं तुम्हारे ऊपर। साथ में ये ग्रुप्स में अटैक करते हैं। ए सीज इन प्रोग्रेस, ज़ॉम्बी सीज क्या कहलाता है, ये एक इन गेम इवेंट होता है जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज ग्रुप में विलेज पर अटैक करते हैं, तो ये ज़ॉम्बी सीज कहलाता है। अगर आपको इसके बारे में पहले नहीं पता था तो थैंक यू बोलो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं ज़ॉम्बी हॉर्स की। भाई साहब ये बड़ा प्यारा है, मेरे को इसलिए प्यारा लगता है क्यों, क्योंकि ज़ॉम्बी हॉर्स एक अनयूज्ड ज़ॉम्बीफाइड वेरिएंट है जो कि रेगुलर हॉर्स का परिवर्तित रूप है, यानी कि ये पैसिव होता है। सबसे बड़ी बात यह है, ज़ॉम्बी हॉर्स पे अटैक करो भैया कुछ नहीं करेगा, इसको लात मारो कुछ नहीं करेगा, इसको मतलब कूट डालो तो कुछ नहीं करेगा, तलवार से मारो इसको कुछ नहीं करेगा। तो गाइस ज़ॉम्बी हॉर्स के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं ज़ॉम्बी विलेजर की। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है ना, तो अगर थोड़ा बहुत कोई प्लेयर प्रो है ना, थोड़ा बहुत प्रो, नया नया बंदा नहीं, थोड़ा बहुत पुराना बंदा हो ना, तो ज़ॉम्बी विलेजर को देखते ही आंखें खिल जाती हैं। मतलब भैया कहीं से कुछ आ गया है, क्या आ गया भैया, क्यों खिल जाती हैं आंखें? बहुत सिंपल है भाई, ज़ॉम्बी विलेजर ऐसे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि जब ज़ॉम्बीज रात को विलेज में अटैक करते हैं तो किसी को भी अगर विलेजर को काट लेता है ना कोई ज़ॉम्बी, तो वो ज़ॉम्बी विलेजर में बदल जाता है। लेकिन खैर प्लेयर इनको देखते ही आंखों में, मतलब एक ऐसे आंखें क्यों खिल जाती हैं उनकी, क्यों उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ मिल गया, जैसे कि डायमंड मिल जाते हैं। वैसे डायमंड से भी खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन चीज़ ये है कि ज़ॉम्बी विलेजर को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ज़ॉम्बी विलेजर को फिर से हम बना सकते हैं विलेजर। और विलेजर बनाने के बाद में खास बात ये है कि हमें बहुत ही कम दामों में ट्रेड भी करने लग जाता है। तो खैर अगर हमें ज़ॉम्बी विलेजर को वापस विलेजर में बदलना हो तो बहुत सिंपल है यार, आपको पोशन ऑफ बिगनेस फेंकनी है और उसके बाद में एक बढ़िया सा एप्पल, गोल्डन एप्पल, इसको खिला देना है। अनचांटेड मत खिलाना, ठीक है ना? मैंने खिलाया था एक बार, साला खाया नहीं, बाद में पता चला उसको गोल्डन एप्पल खिलाना होता है। तो गाइस गोल्डन एप्पल उसको खिला दीजिए और गोल्डन एप्पल खिलाने के बाद में भैया वो बदल जाएगा विलेजर में और उसको बाद में आप कहीं भी ले जा सकते हो यार। मतलब इट्स नॉर्मल, सभी लोग करते हैं, मायाजाल में मैंने बहुत देखा है ये सब करते हो। मायाजाल एसएमपी, अच्छा नहीं सुना नाम, जाओ यार डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो मायाजाल एसएमपी को, अपना खुद का एसएमपी है मस्त वाला। तो वहां पर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं सर्वाइवल पर। ओके गाइस, तो अब उसके बाद में ज़ॉम्बी फाइड पिगलिन की बात करते हैं। ज़ॉम्बी फाइड पिगलिन एक प्रकार का वही ज़ॉम्बी का वेरिएंट है जो कि पिगलिन्स होते हैं या पिगलिन ब्रूट्स होते हैं, जो कि अगर नेदर को छोड़ देते हैं किसी वजह से, पोर्टल समझ रहे हो ना, पोर्टल के जरिए अगर ये ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं तो उसके बाद में थोड़ी सी देर बाद देखना ये कांपने लगते हैं भैया, कतई दर्द लगता है इनको, कतई खतरनाक वाला। और थोड़ी देर बाद में भाई साहब ये हो जाते हैं ज़ॉम्बी फाइड पिगलिन।
पेंगुलिन में बदल जाते हैं। एंड गाइज इनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, अगर आप इन पे अटैक नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, समझ रहे हो। ये एकमात्र ऐसा अनडेड मॉब है जो कि होस्टाइल नहीं है और न्यूट्रल होता है, यानी कि ये आप पे जब तक अटैक नहीं करेगा जब तक कि आप इसके ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन ज़ॉम्बी हॉर्स एकदम पैसिव है, और अगर हम स्केलेटन हॉर्स की बात करें तो वो भी पैसिव है बुरी तरह से, यानी बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। ओके गाइस, तो हमने सारे के सारे जो अनडेड मॉब्स हैं उनको देख लिया है। अब उसके बाद में हम जायंट की बात करेंगे। यार जायंट क्या होता है, आखिरकार जायंट के बारे में बात कर लेते हैं। जायंट जो कि एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी होता है, इसे कमांड समन जायंट स्पेस पोजीशन एनबीटी जो भी इंफॉर्मेशन डाटा होता है उसके जरिए समन किया जा सकता है, और जायंट को अनडेड मॉब्स में नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। एंड जायंट को समन करने का जो कमांड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, अगर किसी को चाहिए तो वहां से जाकर ले सकता है। जायंट्स पानी में डूबने पर ड्राउंड में नहीं बदलते, बल्कि वो पानी में दम घुटने की वजह से धीरे धीरे मर जाते हैं। जायंट्स के बारे में एक बात ये ध्यान रखना। अब पानी में डूबने पे ड्राउंड में कैसे बदलते हैं, क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद में हम लोग बात करेंगे। जायंट्स की कोई भी एआई नहीं होती है, जायंट्स कभी भी नेचुरली स्पॉन नहीं होते हैं, बहुत पहले की बात थी स्पॉन होते होंगे, अब शायद ये नहीं होते हैं, डेफिनेट बात है कि अब नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं कुछ शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि वन बाय वन हम लोग लेने वाले हैं अनडेड मॉब्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडेड मॉब्स पोशंस ऑफ हीलिंग से डैमेज खाते हैं और पोशंस ऑफ हार्मिंग से हील होते हैं, यानी पोशंस इन पर उल्टा काम करती हैं। जैसे गाइज आप पोशंस ऑफ हीलिंग इनके ऊपर फेंकोगे तो भैया डैमेज खाएगा एकदम कतई, ये देखो डैमेज खा रहा है। और जैसे ही आप पोशंस ऑफ हार्मिंग इनके ऊपर फेंकोगे तो ये हील होते हैं, यानी कि इनको हार्म नहीं होते हैं, ये हील होते हैं। ये देखिए, ये मतलब कुछ नहीं यार, हील हो रहा है। बट पोशंस और पॉइजन की बात करें तो ये इन पर कोई भी असर नहीं करती है। साथ ही अनडेड मॉब्स कभी भी पानी में डूबकर नहीं मरते हैं, लेकिन अगर हम हस्क या ज़ॉम्बी को पानी में डुबोते हैं तब क्या होता है। देखिए, अगर पानी में हस्क को डुबाया जाए तो वो पहले ज़ॉम्बी में बदलता है, फिर बदलता है ड्राउंड में, और ज़ॉम्बीज को अगर डुबाया जाए तो वो सीधे बदल जाते हैं ड्राउंड में। और ड्राउंड क्या होते हैं आपको पता ही है ना, ये अंडरवाटर ज़ॉम्बीज होते हैं। अनडेड मॉब्स में सिर्फ एक बॉस होता है और वो है वीदर। एंडरमैन को अनडेड मॉब्स में नहीं माना जाता है। एंड ज़ॉम्बी स्केलेटन हॉर्स और ज़ॉम्बी हॉर्स कभी भी प्लेयर पर अटैक नहीं करते हैं और ना ही सनलाइट से बर्न होते हैं। ये दोनों इस प्रकार के अनडेड मॉब्स हैं, दोनों के दोनों अनडेड मॉब्स हैं जो कि ना तो सनलाइट से बर्न होते हैं और ना ही प्लेयर पे अटैक करते हैं, चाहे आप इनसे कितना भी पंगा ले लो लेकिन ये आप पे अटैक नहीं करेंगे। यानी कि ज़ॉम्बी हॉर्स कंप्लीटली पैसिव अनडेड मॉब्स होते हैं, और आप कभी भी क्रिएटिव में जाके स्पॉन एग यूज लेके स्केलेटन हॉर्स को टेम नहीं कर सकते। अगर ये नेचुरली स्पॉन हुआ है तो ही आप उसे टेम कर सकते हैं और सेडल पहनाकर राइड कर सकते हैं, जो कि माइनक्राफ्ट में राइडिंग में सबसे फास्टेस्ट मॉब होता है। एंड गाइस, अनडेड मॉब्स में सबसे फनी है बेबी ज़ॉम्बी विलेजर, जो कि पांडा पिग चिकन या दूसरे मॉब्स पर राइड करता हुआ आता है। इसे बेबी ज़ॉम्बी विलेजर जोकी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें तो इसे चिकन जोकीज भी कहा जाता है, जो कि रेयर अपीयरेंस होती है जिसमें बेबी ज़ॉम्बी या बेबी ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन या बेबी ज़ॉम्बी विलेजर या बेबी हस्क या बेबी ड्राउंड, ये सब के सब चिकन पे राइड करते हुए आते हैं। कई बार ये चिकन की बजाय पांडा पिग या इन दूसरों पे भी राइड, मतलब तो कुल मिला के बात ये है, जो बेबी अनडेड मॉब्स हैं वो अगर राइड करते हुए किसी भी मॉब पे आते हैं तो उनको जोकी जोकी के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। दिखने में बड़े प्यारे होते हैं, फनी होते हैं, लेकिन बात मतलब सही बता रहा हूं मैं, अटैक करते हैं ना भाई साहब, पंगा मत लेना इनसे, ठीक है। साथ ही वीदर स्केलेटन स्पाइडर जोकी भी होता है, जो कि नेदर में स्पॉन होता है। एंड गाइज, इसके 0.8% चांस होते हैं स्पॉन के, यानी कि ये एक्सट्रीमली रेयर होता है। और स्केलेटन स्पाइडर जोकी या स्ट्रे स्पाइडर जोकी भी आपने देखा होगा, ये ओवरवर्ल्ड में स्पॉन होता है, इसके 1% चांस होते हैं, यानी कि ये काफी रेयर है। ये स्पाइडर या केव स्पाइडर पे स्पॉन होते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि ज़ॉम्बीज भी किसी ना किसी मॉब पे राइड करते हुए आते हैं, या फिर अगर स्केलेटन्स की बात करें तो वो ओनली एंड ओनली स्पाइडर या केव स्पाइडर पे राइड करते हुए आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माइनक्राफ्ट खेलते रहिए, बाय बाय।